अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हाज़िर हूँ मैं अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि मैंने आपको पार्ट वन से मैंने स्टार्ट किया था। और बेसिकली आप लोग को समझाना बेसिक से था, जहाँ तक मुझसे हो सका वो मैं आप लोग को बेसिक से बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या प्रोसीजरल चीज़ें चलती रहती हैं इसकी, और रिज़ल्ट यानी कि ये अचीव करने के लिए। तो एक मेरी छोटी सी कोशिश है जो मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ, और ये सिर्फ स्टार्ट है और ये चीज़ चलती रहेगी। तो चलते हैं अपने C4D पे, और इस ट्यूटोरियल को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब क्या था कि ये हमारे पास सीन है अलैला टोनाइट, ठीक है। इसको हम रेंडर करके देखते हैं, ठीक है। और रेंडर करके हम चेक करते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, जो हमने सेकंड पार्ट पे इसको हमारे पास रिज़ल्ट आया था इसका, ठीक है। थोड़ा सा कुछ टाइम लेगा, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है, और हमें जो रिज़ल्ट अचीव करना है ऑलमोस्ट हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए मैं बेसिकली अब क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं आप लोग को GI की सेटिंग बता देता हूँ कि किस तरह है। मैंने एम्बिएंट एक्लूजन को एक्टिव किया हुआ है, ठीक है, जो कि इफ़ेक्ट पे आने के बाद मैंने किधर चले गया, ये किधर चले गया, ये रहा, ठीक है। ऑप्शन एम्बिएंट एक्लूजन मैंने लिया हुआ है, और ग्लोबल इल्यूमिनेशन मैंने किस तरह लिया आपको बता दूँ, इफेक्ट पे आया, और हमारे पास ग्लोबल इल्यूमिनेशन ये रहा। ये एक्टिव करने के बाद इसकी जर्नल की सेटिंग में सेकेंडरी मेथड को हम थोड़ा सा इसको हम छेड़ेंगे और लाइट मैपिंग पे रख देंगे, और प्राइमरी मेथड हमारा ADNS कैशे ही रहेगा, ठीक है। ये अब हमारी सेटिंग हो गई। मैंने कमेंट पढ़े थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि GI के बारे में हमें बताएं क्या सेटिंग्स थी, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा जो सेटिंग है सिंपल सी। इसको मैं बंद करता हूँ इस विंडो को, और नाउ वी आर बैक टू आवर ट्यूटोरियल। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से विंडो में आता हूँ पिक्चर व्यूअर पे, ठीक है। ये हमारे पास पिक्चर व्यूअर आ गया, और जो इमेज थी मेरे पास, ठीक है, वो मैं यहाँ पे इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, मुझे रेफरेंस देगा कि हम कितना नियरेस्ट जा रहे हैं इसके, ठीक है। अब ये हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक क्रिएट शेडर, और मैं कर लेता हूँ न्यू मटेरियल, ठीक है। न्यू मटेरियल को मैं करूँगा फ्लोर पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने डबल क्लिक किया इसको मैंने, ठीक है। ये विंडो हमारे पास पॉपअप हुई, करने के बाद मैंने ये पिकर पकड़ के मैंने यहाँ से ये कलर उठा लिया कि नियरेस्ट करना है, और रिफ्लेक्टेंस में आके इसका स्पेकुलर मैंने हाइड किया, ऐड करके बैकिंग और स्पेकुलर्स बम रहने देते हैं, और रफनेस हम बढ़ा देते हैं, और एटेन्यूएशन जो है इसको एडिटिव कर देते हैं, ठीक है। करने के बाद इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग को छेड़ लेते हैं, और अभी हम GI इसकी बंद करते हैं और रिज़ल्ट चेक करते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे जो है इसकी सेटिंग देखनी है, जो शेडर सेटिंग है जो बेसमेंट पे, सॉरी जो मैंने फ्लोर पे लगाई थी, किस तरह आ रही है। तो इसको हम चेक कर रहे हैं, GI मैंने एक्टिव करी, और अब चेक करते हैं कि रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा देखें, ये देख रहे हैं थोड़ी सी नॉइज़ आने शुरू हो गई है, इसलिए आ रही है, मैंने रफनेस बढ़ाई हुई है, तो रफनेस बेसिकली वो इफेक्ट दे रहा है। अच्छा, वो फील अभी नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, इसकी रिफ्लेक्टेंस जो है और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है।
ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट नियरेस्ट देखें, ये जो यहाँ रफनेस आ रही थी यहाँ पे भी आना शुरू हो गई है, रिफ्लेक्शन पकड़ रहा है इस पर, ठीक है। अब आने के बाद ऑलमोस्ट हमारा रिजल्ट आ चुका है, और इसको करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के मैं डबल क्लिक किया, और इसी पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और यहाँ पे मैं करता हूँ R1, ठीक है। R1 बेसिकली क्या है, ये सिलेक्शन होती है, मैंने लेकिन मुझे आउटलाइन चाहिए थी, जो मेरे फिलेट होते हैं वहाँ पे ये शेडर आया था। अच्छा, अब क्या, अब हम देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा फील देने के लिए मैं इधर आया और दोबारा पिकर उठाता हूँ, और वाइट हम इसको हल्का सा रखते हैं, और ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं आपको नियरेस्ट रिजल्ट लेके जाऊंगा जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हम हमारा रिजल्ट ये किस तरह अचीव हो रहा है, ठीक है। बेहतरीन आ रही है आउटलाइन इसकी, थोड़ा सा उठ के आ रहा है ये अलैला जो हमारे पास टेक्स्ट है, और अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं, और ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सी फील आ गई है, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है हमें ये। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये पैटर्न लगा हुआ है, मेरे पास फ़िलहाल अभी पैटर्न नहीं है, तो हम इसके लिए फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जो मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया, जिस तरह शेडर लेते हैं उसी में आपने अपना टेक्सचर उठा लेना है, उठाने के बाद ये फील आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए, यहाँ थोड़ा सा डल हो रहा है, हमें सही विजिबिलिटी नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, इधर आया दोबारा GI एक्टिव करने के बाद, अब हम रेंडर करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, बेहतरीन आ रहा है, इसको हम बाकी कंट्रोलिंग हम इसको फोटोशॉप पे करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हम रेंडर करते हैं, सेव किया मैंने PNG, और कहीं भी रूट दे दें आप इसको, जहाँ भी आपने सेव करना है, ठीक है। इसको हम रेंडर कर देते हैं, अब ये हमारा रेंडर हो रहा है।
और हम इसकी इमेज को उठा लेते हैं, देखते हैं किधर मैंने रेंडर किया इसको। ठीक है, हमारा फोटोशॉप है और इधर आके मैंने इसको ड्रैग और ड्रॉप किया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको रेफरेंस दिखाया था उससे हम इसको मैच करेंगे। ठीक है, अब मैच करने का सीन ऐसा होगा कुछ कि मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे हम ग्रेडियंट लेंगे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये हमने ग्रेडियंट लिया और मैं क्या करूँगा अपने बैकग्राउंड पे यही कलर उठाया मैंने, फिल कर दिया मैंने, यहाँ पर आया मैं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इरेजर टूल लेके इसको हम थोड़ा सा इसका फ्लो कम करेंगे और इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो रेफरेंस इमेज था उसमें हमारे पास और क्या था। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने डाउनलोड्स पे और हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के बाद मैं इधर आया और हम आएंगे अपने इमेज पे एडजस्टमेंट और सैचुरेशन। ठीक है, हम ऑलमोस्ट वहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, और फिर हम आएंगे एडजस्टमेंट अगेन और कर्व। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, ये मैं इधर लेकर आया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि जो हमारे पास रेफरेंस है ये टेक्स्ट, ठीक है, हवारी बुखारिस्त, ठीक है, 8:30 AM और अलबलद रमदान बरनामच। सो हम क्या करेंगे इस पे आके थोड़ा सा हम ये इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आऊँगा और लिखूँगा टुनाइट। ठीक है, इसको मैं करता हूँ स्केल और इसको मैंने डबल क्लिक किया और कलर हम उठा लेंगे यही वाला, लेकिन थोड़ा डार्क कर देते और हम इसके टेक्स्ट को हम कर देंगे बोल्ड। ठीक है, ये मैंने करा। ठीक है, इसी की हम ऑल्ट लगा के कॉपी पेस्ट ले लेते हैं और डबल क्लिक करेंगे। इसको मैं करता हूँ 08:30 और EM। ठीक है, अब मैं इधर आया, मैंने इसको सेलेक्ट करा, इसको मैं स्केल डाउन कर दूंगा। ठीक है, इधर आया मैं और मैं इसको स्केल यहाँ तक लेकर आ गया। अब मैं इसी की एक और कॉपी लेता हूँ। ठीक है, इसको हम दे देते हैं 08:30 फिर 01:30 AM। ठीक है, इसको मैं स्केल डाउन कर देता हूँ। एम कर देते हैं और इसको हम पीएम कर देते हैं। ठीक है,
कर दिया, और इसकी स्केलिंग में एक्यूरेट यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर हम कर देते हैं थोड़ा ब्राइट, ठीक है। और इसी की कॉपी ले लेते हैं हम, कॉपी लेयर स्टाइल, और रिमेनिंग इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रही बात वही फील की, ठीक है। जो आप लोग कह रहे होंगे कि वो फील नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा कि ओवरऑल, ठीक है, मैं अब क्या करने जा रहा हूँ कि हम आते हैं कोई बुके के इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। इसको हम टूल्स पे आएंगे और साइज लार्ज कर देते हैं, और हम उठाते हैं फॉर एग्जांपल ये उठा लेते हैं, चेक करते हैं, नहीं इसका साइज भी सही नहीं है, इसको उठाते हैं, सेव करते हैं, और ट्रांसपेरेंसी वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं आया इधर और मैंने उठा लिया बुके, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ओपेसिटी कम, इमेज एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन, इसकी थीम थोड़ी हम चेंज कर देते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ ठीक है। ये थोड़ी सी फील आ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा, ये मैं सिर्फ ग्रेडियंट पे खेल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ लगा दिया, इसी की मैं कॉपी लेता हूँ और इसको मैं यहाँ और रख लेता हूँ, ठीक है। इसकी मैं थोड़ी स्केलिंग बढ़ा देता हूँ, और मैं इस पर को मैं स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये चेक करें कि ब्लेंड मोड खेलने के बाद कितना डिफरेंट रिजल्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक फील आ गई है, और इसी की मैं सेचुरेशन पे आता हूँ, और यहाँ से मैं सेचुरेशन पे खेल सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक फील आ गई, और क्या करूँगा मैं, न्यू लेयर ली मैंने, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 50, और कंट्रोल डी, फिल्टर ब्लर बॉक्स ब्लर, इसकी रेडियस मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे लाने के बाद इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, कलर इसका वाइट,
ठीक है, तो देखिए जो फील्ड मैं आपको बताना चाह रहा था तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास आ चुकी है। अगर इसको आप और इन्हेंस करना चाहें तो क्या करना होगा, आपने इधर आना है और ह्यू सैचुरेशन, ठीक है, कलराइज करेंगे, ये आपके पास फील आ रही है, ठीक है। अब मैं इधर आऊँगा, सॉफ्ट लाइट करूँगा और थोड़ा सा कलर मैंने चेंज कर दिया। ये देखें, ये हमारी थीम भी चेंज हो जाएगी इसी। तो गाइस, ये एक ट्यूटोरियल था जो मैंने आप लोग को बताया, और उम्मीद है कि ये आप लोग को एक बेसिक सा, अच्छा फोटोशॉप का मैंने डिटेल में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक सिर्फ बेसिक से एक फ्रेम बनाना सिखा रहा था मैं आप लोगों को कि सी फो डी पे हम एज अल्फा रेंडर करने के बाद फोटोशॉप पे किस तरह खेल सकते हैं। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो ट्यूटोरियल आप लोग को पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है जी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।